हेलो गाइस, मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स लाया हूँ क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कुछ एंगल्स की वैल्यू जिसे आप लर्न करते हो भूल जाते हो, तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को मैं आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊँगा जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। सिर्फ आपके 5 मिनट्स में आपको ये पूरा कंप्लीट आपको लर्न हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ट्रिक आपके पास ये है। आपके पास यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले नंबरिंग लिखना है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, जीरो से। जीरो, फिर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, फिर इसके बाद इन सभी को आपको डिवाइड करना है किससे, फोर से। इन सभी को आपको डिवाइड करना है फोर से। और जब आप इसे फोर से डिवाइड कर दोगे, तो फोर से डिवाइड करने के बाद इन सभी रिजल्ट का आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। आपको एक स्क्वायर रूट लेना है यहाँ पर इन सभी का। और जब आप स्क्वायर रूट लोगे इन सभी का, इसके बाद इसके स्क्वायर रूट को आप सोल्व करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली साइन की वैल्यू मिल जाएगी। तो सीधी सी बात है, जीरो को किसी से भी कट कर सकते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। और जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू आपके पास क्या आई, जीरो। अब ये कट नहीं हो रहे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो आपको sin 30 की वैल्यू मिल गई। यहाँ देखो ये कट हो चुके हैं, यहाँ कट होंगे, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। तो आपके पास 1 का स्क्वायर रूट सोल्व हो जाता है, तो रिजल्ट आएगा 1। और 2 का स्क्वायर रूट सोल्व नहीं हो पाएगा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, ये एज इट इज। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कट हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रूट के अंदर रहेगा आपके पास, और इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 2। और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। आपको ये साइन की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको लिखना है कॉस की। तो कॉस की वैल्यू लिखने के लिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये। तो लिखना शुरू करते हैं। तो आपके सबसे पहले आएगा 1, फिर आपके पास आएगा आपके √3/2, फिर आपके पास आएगा 1/2, फिर आपके पास आएगा, सॉरी, 1/√2 आएगा, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 1/2, फिर आपके पास आएगा 0। तो आपको किसकी वैल्यू मिल चुकी है, कॉस की। अब कॉस की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, साइन टेन की वैल्यू निकालना है। तो टेन की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है, कॉस की वैल्यू को, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है। सिंगल नंबर है तो सिंगल को डिवाइड कर देना, लेकिन डबल जब नंबर आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसके ऊपर वाले नंबर को इसके ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो 0 को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा, 1/√3। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके रिजल्ट आएगा 1। और √3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं रिजल्ट वही आता है, तो √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3। और 1 से 0 को, 0 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड किया जाता है तो वो डिवाइड नहीं होता, जिसे अपन डिफाइन नहीं कर पाते, इस वजह से इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। ये आपके पास हुई 3 वैल्यूज़। अब 3 वैल्यूज़ आपको इस ट्रिक से करना है, फिर उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की ये टेबल आपको लर्न होगी। यहाँ पर आता है आपके पास साइन, यहाँ आता है आपके पास कोस, फिर यहाँ आता है आपके पास टेन, फिर इसके बाद यहाँ आपके पास आएगा इस जगह कोट, और यहाँ आपके पास आएगा सेक, और यहाँ आपके कोसेक। इसकी मदद से बाकी की 3 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि साइन जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, कोसेक का। कोट किसका होता है, सेक का। और टेन किसको होता है, कोट का। तो क्या करना है, जैसे कि कोट की वैल्यू लिखना है, तो जो टेन की जो वैल्यूज है उसका आपको उल्टा करना है बस। तो जैसे कि एक बात और ध्यान रखना, 0 का उल्टा जो होएगा, रेसिप्रोकल जो होगा वो होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, 0। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसके कोट की वैल्यू को निकालने के लिए किसका रेसिप्रोकॉल लेंगे, 10 का। तो 10 का रेसिप्रोकॉल लेंगे तो 10 10 का जब रेसिप्रोकॉल यहाँ 0 है, तो इसका 0 का रेसिप्रोकॉल मतलब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसका जब उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर और 1 नीचे, तो √3 रहेगा, 1 नीचे लगाते नहीं है, और 1 का उल्टा क्या होगा, 1। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लगा देंगे, 1। और 1 जब इसका, 1 लगाने के बाद इसका रेसिप्रोकॉल करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1/√3, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकॉल अभी बताया मैंने आपको क्या होगा, 0। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉस की वैल्यूज का रेसिप्रोकॉल कर देना है। तो कॉस की वैल्यू ये रही, तो 1 का रेसिप्रोकॉल 1 ही होगा। इसका रेसिप्रोकॉल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकॉल करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, और 1 नीचे लिखते नहीं है। इसका रेसिप्रोकॉल करेंगे तो 2 और नीचे 1 आएगा, 1 नीचे नहीं लिखेंगे, और 0 का रेसिप्रोकॉल इनफाइनाइट होगा। ऐसे ही कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकॉल कर दो तो आपको कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन 0 का, जब आप 0 का रेसिप्रोकॉल करोगे तो 0 का रेसिप्रोकॉल क्या होगा, इनफाइनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकॉल करेंगे तो 2/1 होगा, 2/1, 1 नीचे लिखेंगे नहीं। इसका रेसिप्रोकॉल करेंगे तो √2/1 होगा,
तो रूट टू अपॉन वन, वन नीचे नहीं लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकॉल करेंगे आप तो आपके आएगा टू अपॉन रूट थ्री, और इसका जब रेसिप्रोकॉल करेंगे वन का तो ये आपका वन। तो आपके इस तरह से आप इन वैल्यूज़ को लर्न कर सकते हैं।